बॉलीवुड और टॉलीवुड के यंग स्टार फारूक खान से मिलने के लिए आज हम आए हैं, जो कि फारूक खान साहब अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाले हैं कि किस तरीके से फारूक खान साहब ने अपनी दुनिया में, मूवी की दुनिया में, फिल्म लाइन की दुनिया में जो अपना बैकग्राउंड ना होते हुए भी कदम रखा और अपना स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचे। आइए जानते हैं कि किस तरीके से अपना स्ट्रगल करते हुए ये अपना करियर बनाए। आइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम फारूक। वालेकुम अस्सलाम। और सर कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह सर। और निसार भाई, आपका चैनल नया निकाले आप N7, इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आप बहुत जल्द से जल्द कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ये चैनल अपन भी प्रमोट करेंगे अपने जितना हुए, आपकी जितनी टीम है पूरे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जमील भाई, रसीकीर भाई, जितना भी आपका यूनिट है, लोग सब सब जनों का मैं शुक्रिया गुजार हूँ इंशाल्लाह। बताइए क्या है जी फारूक खान साहब, आपको ये जो कम समय में आप बॉलीवुड में और टॉलीवुड में हंगामा मचा रखा है मार्केट में, सो इसका राज क्या है? वैसे तो आपके फैंस बहुत हो चुके हैं मार्केट में, कहीं भी जाओ फारूक खान साहब बहुत सुने आपने। फैंस तो ऐसा कुछ नहीं है, बस अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को हंसाएंगे बोल के, ठीक है। जैसा आप मूवीज कर रहे हैं, मेन गुल्लू दादा का सपोर्ट है, अपना कुछ नहीं है, मेन गुल्लू दादा की ऑडियंस है, गुल्लू दादा के फैंस है, वो लोग उनको लेकर अपन मूवी कर रहे हैं, तो पब्लिक थिएटर तक आ रही है। गुल्लू दादा क्या एकदम क्राउड पुलर है, क्राउड्स को क्या है अपना थिएटर तक तो खींच के लेके आते हैं, उसके अंदर अब मूवी में कंटेंट रहा तो इंशाल्लाह चलेगी। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, मेरे 3 मूवी आ चुके हैं, अपना गैंग्स ऑफ हैदराबाद था, बदमाश पट्टे था, और रिसेंटली रिलीज घर दामद मूवी था। अल्हम्दुलिल्लाह सब मूवीज़ तो अच्छा चले हैं, पब्लिक पसंद करी है मूवीज, थोड़े पसंद करते थोड़े नहीं करते, बट नहीं तो काम है, अपन आर्टिस्ट हैं। फॉलोवर्स तो बहुत बढ़ चुके हैं मार्केट में, सो ये कम समय में मतलब आप गुल्लू दादा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, गुल्लू दादा तो एकदम सपोर्टिव आर्टिस्ट है, मैं गुल्लू दादा के साथ काम करा, इस्माइल भाई के साथ करा, अजीत नासिर साहब के साथ करा, और इंशाल्लाह फ्यूचर में और जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके साथ करेंगे, अपने सलीम फेकू साहब के साथ भी इंशाल्लाह करना है, फ्यूचर में प्लान है देखेंगे। गुल्लू दादा के साथ तो जो काम करे ना उनके साथ काम करे तो काम करे ऐसा नहीं दिखता, एकदम फ्रेंडली में रह के काम करते हैं, बिल्कुल मजाक है, एकदम डाउन टू अर्थ आदमी है, बहुत ही बेहतरीन आदमी है, उनके साथ वर्क करके काम करके मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, एकदम सपोर्टिव इंसान है गुल्लू दादा, बहुत ही सपोर्ट करते हैं काम की जगह, ज़्यादातर कॉमेडी मजाक मतलब सेट पे भी मजाक ज़्यादा चलता होगा ना? सेट पे भी ज़्यादा चलते रहता है मजाक, बट एकदम इनोसेंट शरीफ मिजाज के हैं, जितना काम रहेंगे काम करेंगे, उसके अंदर जाके अपना जो है जहाँ पर बैठना है बैठ जाएंगे आराम से, डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा शूट पे, एकदम पंक्चुअल रहते हैं शूट की टाइमिंग पे रहें दो या डायलॉग डिलीवरी रहें दो। और मैं एक चीज़ देखा हूँ उनके अंदर, स्टोरी डायलॉग्स वगैरह नैरेट करना है तो मैं ही करता हूँ सेट पे, एज एसोसिएट डायरेक्टर भी करता हूँ, तो माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा हूँ मैं उनके साथ। गुल्लू दादा क्या है, बस एकदम डाउन टू अर्थ आदमी है, बहुत ही सपोर्टिव है, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे भाई मैं पहले तो स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट मूवी में काम कर रहा था गुल्लू दादा रहें दो इस्माइल भाई रहें दो, मेरे को एक ऐसा था सेट पर मैं लोग के सामने कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, बट अल्हम्दुलिल्लाह इतने सपोर्टिव थे, जैसे अपने इस्माइल भाई रहें दो, गुल्लू दादा रहें दो, बहुत सपोर्टिव थे, बहुत ही सपोर्ट करे थे मेरे को काम के लिए, बस अल्हम्दुलिल्लाह करते हुए निकल गए अपन। तो अभी नेक्स्ट गुल्लू दादा के साथ कौन सी मूवी आने वाली है? अभी मूवी का तो टाइटल नहीं रखा मैं, बट एक ये जो मूवी करने वाले है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, एक माँ के ऊपर कंटेंट है ये, अपन प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह देखेंगे अभी ऑडियंस पसंद करती नहीं करती। इसमें क्या रोल रहेगा आपका, मतलब क्या करेंगे इसमें? मेरा लीड रोल रहेगा, मेरा भी लीड रोल रहेगा, गुल्लू दादा का भी लीड रहेगा। अब इसके अंदर क्या है, वही मेरा जो कैरेक्टर एकदम सीरियस कैरेक्टर है इसके अंदर, गुल्लू दादा का जो है एकदम कॉमेडी विलन टाइप है। अभी तक जो है हम लोग साथ में पॉजिटिव कैरेक्टर करते हुए आए हुए हैं, अभी फर्स्ट टाइम जो है गुल्लू दादा खुद मेरे को रिसेंटली बताए थे कि फारूक अभी तक दोनों साथ में आ रहे हैं, अभी अपोजिट आएंगे, आप लीड रहो मैं एकदम नेगेटिव में रहता हूँ, बोले इंशाल्लाह वही प्लान करके लिखे हैं स्टोरी, और बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है ये, देखते हैं पब्लिक कितना पसंद करती नहीं करती, काम तो भाई करेंगे। एक तो यंग स्टार आप हो, साथ में आपके साथ कॉमेडी के बादशाह गुल्लू दादा भी आपके साथ है, तो ये मूवी कंपलसरी सक्सेस होगी, हम लोगों की इंशाल्लाह शुभकामनाएं आपके साथ है, आपकी मूवी के साथ है, और आपके साथ साथ जितने भी बॉलीवुड के लाइकर्स हैं और गुल्लू दादा के फैंस हैं, सबसे ये इंतजार है कि गुल्लू दादा की नेक्स्ट आने वाली मूवी को देखने के लिए ज़रूर। जैसे मूवी की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है,
और तकरीबन ये लगभग साल के करीब करीब साल के अंदर भी हो सकता है कि गुल्लू दादा का एक्सपीरियंस और गुल्लू दादा का ज़बरदस्त धमाका फिर से डॉलीवुड बॉलीवुड और टॉलीवुड में हंगामा करने के लिए फिर से यंग स्टार फारूक खान साहब और उनके साथ साथ डॉलीवुड के बादशाह इवन बॉलीवुड के भी बादशाह टॉलीवुड के भी बादशाह गुल्लू दादा के साथ अभी जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है वो ज़रूर देखने जाइए और जल्द से जल्द वो मूवी के डिटेल्स हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। मैं निसार सोहेल कैमरामैन मोहम्मद दस्तगीर के साथ दीजिए।